हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बॉलीवुड के सुपरहिट अभिनेता गोविंदा अपने बेहतरीन अभिनय के साथ साथ अपनी शानदार कॉमेडी और डांस के लिए जाने जाते हैं, और गोविंदा ने अपने अभिनय करियर में लगातार एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, और यही वजह है कि गोविंदा 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे। गोविंदा ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, और इस सफलता के लिए गोविंदा ने अपने जीवन में काफी संघर्ष भी किया है। आपको बता दें कि गोविंदा बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से एक हैं जो अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से हमेशा दूर रखते हैं, और शायद ही आपको इनके बारे में जानकारी होगी कि जब गोविंदा का जन्म हुआ था तब उनके पिता ने उन्हें गोद में उठाने से और छूने से इनकार कर दिया था, और इसके पीछे का एक कारण था जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो एक्टर गोविंदा के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों गोविंदा से जुड़ा ये किस्सा काफी दिलचस्प है। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा का पूरा नाम गोविंदा आहूजा है। जहां इनकी मां का नाम निर्मला देवी है तो इनके पिता का नाम अरुण आहूजा है। गोविंदा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और जब गोविंदा का जन्म हुआ था तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद में उठाने से इनकार कर दिया था, और इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी मां निर्मला देवी एक साध्वी बन गई थी। हालांकि उनकी मां उनके पिता के साथ रहती थी, लेकिन वो बिल्कुल एक साध्वी की तरह जीवन जीने लगी थी। आपको बता दें कि गोविंदा के पिता अरुण आहूजा हिंदू थे, तो वहीं उनकी मां निर्मला देवी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अरुण आहूजा से शादी के बाद निर्मला देवी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और जब निर्मला देवी ने अपना धर्म परिवर्तन किया तब वे हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुई, और इसी वजह से उन्होंने साध्वी बनने का फैसला ले लिया। वहीं निर्मला देवी के इस फैसले के कुछ समय के बाद गोविंदा का जन्म हुआ, और जब गोविंदा का जन्म हुआ तो गोविंदा के पिता ने उन्हें उठाने और छूने से इनकार कर दिया, क्योंकि गोविंदा के पिता को ऐसा लगता था कि गोविंदा के कारण ही उनकी पत्नी साध्वी बन गई है। और फिर लोगों के बहुत समझाने के बाद अरुण आहूजा ने अपने बेटे को प्यार देना शुरू किया, और धीरे धीरे गोविंदा अपने पिता अरुण आहूजा के सबसे करीबी हो गए और उनसे बेहद प्यार करने लगे। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनकी माँ हमेशा यही चाहती थी कि वे बैंक में नौकरी करें, लेकिन उनके पिता अरुण आहूजा हमेशा एक्टिंग की दुनिया के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते थे। हालांकि गोविंदा के माता पिता भी मनोरंजन की दुनिया से जुड़े रहे, जहां गोविंदा के पिता अरुण आहूजा फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता के तौर पर उन्होंने काम किया है। वहीं गोविंदा की माँ निर्मला देवी एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका है और एक अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, और इसी वजह से अभिनय की कला गोविंदा को विरासत में मिली है। दोस्तों आपको गोविंदा का और कौन सा किस्सा मालूम है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि गोविंदा का ये किस्सा आप में से कितने लोगों को पता था, कमेंट में जरूर करके बताएं। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।